डॉक्टर सुधीर कुमार के ऊपर गोली चलाने एवं रंगदारी मामले में हथियार के साथ दो अपराधी गिरफ्तार। शिविर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डॉक्टर सुधीर कुमार के ऊपर गोली चलाने और रंगदारी मांगने के मामले में दो शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 2 मैगजीन, कई राउंड गोली बरामद किया गया है। डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह से 16 अगस्त को 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। डॉक्टर सुधीर के ऊपर अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली की फायरिंग की गई थी और धमकी भी दी गई थी। उसके बाद फ़ोन करके रंगदारी की मांग की गई थी 25 लाख की। तो ये एक बड़ा मामला था हमारे लिए। हमने सीवर पुलिस की टीम SIT गठित की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में और इस पर लगातार काम कर रहे थे। इसी दरमियान हमें इसमें सफलता मिली है और उन अपराधियों में शामिल एक मुख्य अभियुक्त गुड्डू सिंह उर्फ धीरज कुमार सिंह को हथियार के साथ आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनके निशानदेही पर जहां पर हथियार रखते थे ये लोग और जहां पर इनका रहना होता था वहां छापेमारी की गई, वहां से भी हथियार बरामद किया गया। तो कुल मिलाकर एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 देसी पिस्टल और 2 मैगजीन और कुछ कारतूस, 6 कारतूस भी बरामद किया गया है। और इस की गिरफ्तारी से गुड्डू सिंह और धीरज सिंह की गिरफ्तारी, जो धनारा श्यामपुर भटा के हैं, इनकी गिरफ्तारी से इस पूरे मामले का उद्भेदन हो चुका है और इसमें शामिल इनके कई साथियों का भी पता चला है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा।